मेरे मित्र गोपीनाथ जी ने बीड को रेल से जोड़ने का सपना देखा। मुझे खुशी है कि बेटी पंकजा जी और महाराष्ट्र सरकार ने हमारे अन्य साथी इस सपने को पूरा करने में जुटे। इसी तरह हमारे गन्ना काटने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए भी गोपीनाथ जी महामंडल बनाना चाहते हैं। इस सपने को भी यहां की महायुति की सरकार ने पूरा कर दिया। भाई और बहनों, बीड में कनेक्टिविटी भी सशक्त हो रही है, पानी की सुविधा भी पहुंच रही है और बिजली की व्यवस्था भी मजबूत हो रही है। यानी उद्योगों के लिए जरूरी माहौल अब तैयार हो रहा है। इतना ही नहीं, देश और दुनिया से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अब अधिक से अधिक श्रद्धालु आ सके, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। आस्था से जुड़ा पर्यटन, परली में बीड में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाने वाला है। यहां की अर्थव्यवस्था में आज हमारी बहनों की भागीदारी भी अहम है। ये बचत गढ़ की बहने उनका उत्साह देखते ही बनता है। बीते 5 वर्षों में यहां स्वयं सहायता गुटों की संख्या में, बचत गटों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है। बीते 5 वर्ष में इस स्वरोजगार और सशक्तिकरण के इस आंदोलन को हमने बहुत बल दिया। महाराष्ट्र भाजपा ने तो संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्ष में 1 करोड़ और बहनों को ये बचत गट के आंदोलन से जोड़ा जाए। साथियों, ऐसे ही अनेक संकल्पों को सिद्ध करने की जिम्मेदारी आप सभी पर भी है।